हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ये रेनी सीजन बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप इस साल भी हर साल की तरह नॉर्मल कांदा भजिया के साथ जो सिंपल आलू पकोड़ा रहते हैं वही खा के इंजॉय कर रहे हैं? तो आप लोग इस साल कुछ डिफरेंट ट्राई करें। तो इसी के लिए मैंने आप लोगों के साथ एक अमेजिंग रेसिपी शेयर की है पकौड़ा की, जिसका नाम है आलू सैंडविच पकौड़ा। ये आलू सैंडविच पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, डिफरेंट फ्लेवर है इसमें और बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है। तो आप लोग भी एक बार ये रेनी सीजन में ये पकौड़ा को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आलू पकौड़ा सैंडविच के लिए हम जो बीच में स्टफिंग भरेंगे वो है चटनी। तो वो चटनी बनाने के लिए हमें लगेगा 1 टेबल स्पून जितना सूखा धनिया, उसी के साथ 1/2 टेबल स्पून जितना जीरा, उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिए हैं 10 से 12 लहसुन जिसको मैंने अच्छी तरीके से पील आउट कर दिया है, उसी के साथ 2 टेबल स्पून जितना गुड़, स्वाद अनुसार जितना नमक, उसी के साथ यहाँ पे मैंने लिया है कश्मीरी मिर्ची जिसको मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, उसी के साथ यहाँ पे हम लेंगे सौंफ तो 1 टेबल स्पून जितना सौंफ ले लें, 5 से 6 जितना ब्लैक पेपर ले लें, और उसी के साथ यहाँ पे हम लेंगे मूंगफली तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितनी मैंने मूंगफली ली है। तो अभी इनमें से जो सूखे मसाले हैं उसको हमें रोस्ट करना है। तो इसके लिए पैन में ये सारे मसाले को हम ऐड कर देंगे, जैसे कि सूखा धनिया, सौंफ है, जीरा है, ब्लैक पेपर है, उसी के साथ है ये पीनट। तो गैस का फ्लेम है उसे आप लो कर दीजिए और लो फ्लेम में इसको अच्छी तरीके से सौते कर दीजिए। तो इसको एकदम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है और ये एकदम परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। अभी हम ये मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और फिर उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे एक ग्राइंडर में। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन, सूखी लाल मिर्च का पाउडर, उसी के साथ स्वाद अनुसार जितना नमक, गुड़, और इसको हम एक बार ग्राइंड कर देंगे। तो ग्राइंड करते हुए आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, तेल ऐड कर देंगे। तो 2 टेबल स्पून जितना तेल ऐड करें और फिर से इसको हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। गाइज, मेक श्योर ये चटनी में पानी नहीं जाना चाहिए, उसके बदले आपको तेल ऐड करना है और ये थोड़ी सी चटनी स्टिकी रहनी चाहिए कुछ इस तरह की। तो इसी तरीके से आपको ये चटनी प्रिपेयर करनी है। तो बस अब ये जो चटनी है हमारे सैंडविच पकोड़ा के अंदर की जो स्टफिंग वो बनकर रेडी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ बैटर। सो बैटर बनाने के लिए आपको थोड़े इंग्रेडिएंट्स पहले से रेडी करके रखने पड़ेंगे, जैसे कि चॉप्ड ग्रीन चिली, राइस फ्लोर, यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, 1 कप जितना बेसन ले लीजिए, उसी के साथ स्वाद अनुसार जितना नमक, रेड चिली पाउडर लिया है मैंने, और हमने जो प्रिपेयर की थी चटनी वो भी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। इसी के साथ आप इसमें यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी पाउडर ले लें और थोड़ा सा अजवाइन ले लें। तो बस ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है और पानी भी लेके रखना है। तो अभी इसके लिए हम लोग बैटर बनाएंगे। तो बैटर में हम ऐड करेंगे राइस फ्लोर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ग्रीन चिली, थोड़ा सा अजवाइन, नमक, और फिर हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जितनी जो हमने चटनी प्रिपेयर करके रखी थी वो भी ऐड की है। तो आप ये ऐड करना मत भूलिएगा, इससे जो टेस्ट है पकोड़े का वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस होगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसको हम विस्कर से एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो बैटर है वो हमें थिक ही चाहिए, हमें पतला बैटर नहीं चाहिए और एकदम ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। मैं आपको जो कंसिस्टेंसी बताऊँगी बस उसी तरीके की कंसिस्टेंसी का आपको बैटर चाहिए और ये जो बैटर है वो लंप फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, ये थिक।
अगर आप उसको चमचे में ले और इस तरीके से करें तो वो फैलना नहीं चाहिए, बस इस तरीके की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। अभी हम इसे साइड में रखेंगे और आलू की हमें स्लाइसेस करके रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आलू की स्लाइसेस की है, ये ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है, बस इसी तरीके की आपको सारे आलू की स्लाइसेस कर लेनी है। इसके बाद हम लोग एक कपड़ा लेंगे, उस कपड़े के ऊपर हम लोग ये सारे आलू की स्लाइसेस रख देंगे। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जैसे हमें लोगों को पकोड़ा बनाना है तो उससे पहले आपको बैटर प्रिपेयर करके रखना है, चटनी बना के रखना है, और जैसे आपको पकोड़ा बनाना होगा उसी टाइम पे आप लोगों को आलू की स्लाइसेस करनी है, नहीं तो फिर आप लोग जो स्टफिंग भरोगे इसके अंदर और सैंडविच बना के रखोगे तो वो पानी छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छी तरीके से सुखा लिया है। अभी हम क्या करेंगे, एक आलू की स्लाइस लेंगे जिसके ऊपर हमने जो स्टफिंग बना के रखी थी वो अप्लाई कर देंगे, तो सिर्फ हाफ टेबल स्पून जितनी स्टफिंग हमें इसके अंदर अप्लाई करनी है। तो अच्छी तरीके से स्टफिंग भरने के बाद हम इसके ऊपर एक दूसरी आलू की स्लाइस रख देंगे और बस इस तरीके से आपका जो सैंडविच है वो बनकर रेडी हो जाएगा। बस सेम तरीके से आपको सारे जो भी पकौड़े जितने भी बनाने हैं उस तरीके से आप लोग सैंडविच बना के रख ले, कुछ इस तरीके से। अभी हम पकोड़ा बनाने वाले हैं, तो साइड में हमने तेल गरम करने रखा था, तो बस वही गरम तेल हमने इसके अंदर बैटर के अंदर ऐड किया है, एक चमचा या तो फिर आप बोल सकते हैं 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, गरम तेल ऐड करके इसको एकदम अच्छी तरीके से फेंट लें जिससे कि जो पकोड़ा है वो एकदम फूला फूला बनेगा। तो मिक्स कर लीजिए इसे एकदम अच्छी तरीके से 1 मिनट तक और ये जो बैटर है वो बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसके अंदर सैंडविच को डिप करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से कोट कर देंगे इसके अंदर और इसको हम फटाफट से ऐड कर देंगे हमारे गरम तेल के अंदर। गाइज मेक श्योर जैसे हम पकोड़ा ऐड करते हैं तब गैस का फ्लेम आप लोगों को हाई रखना है, और जैसे ही आपने सारे पकोड़े ऐड कर दिए तब गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम में एकदम परफेक्ट क्रिस्पी होने तक आप लोग इसे फ्राई कर लीजिए। तो अभी आप लोग नोटिस कर सकते हैं ये जो पकोड़ा है उसका जो कलर है वो एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये एकदम परफेक्ट क्रिस्पी भी हो चुका है। तो आप लोग इसे तुरंत निकाल लीजिए। एंड फिर यहाँ पे ये जो हमारे डेलीशियस आलू सैंडविच पकोड़ा है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। आप लोग इसे गर्मा गर्म सर्व करें सॉस के साथ, या तो फिर स्पेशल जो मिंट की ग्रीन चटनी आती है उसके साथ सर्व करें, ये एकदम परफेक्ट लगेंगे। सो अगर आप लोग ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप लोग इसका फ़ोटो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों के ये पकौड़े कैसे बने। एंड दोस्तों अगर आप ये चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।